जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे आप लोग? सर क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है बताओगे जरा? बिल्कुल पेशेंस के साथ दम सिंपल तरीके से ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। बहुत ही सिंपल तरीका है सर। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, सर ये चैप्टर फर्स्ट है जिसको आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के नाम से जानते हैं। सर डिफरेंट केसेज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में मैंने केस वन बता चुका हूँ। आज हम केस थ्री रखे हैं, केस टू अभी भी बाकी है, लेकिन आप पेशेंस के साथ सुने, सब कुछ अच्छा होगा। सर कहा जाता है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब अलाउड होगा, कब कैलकुलेट करेंगे, इस पर क्वेश्चन है बच्चे को। हमेशा याद रखो कि अगर लॉस के केस में कभी भी पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट किसका है? पार्टनर का है। और जब पार्टनर को नुकसान, बिजनेस को जब नुकसान होगा, तो उस नुकसान के केस में, लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं खुलेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। अटेंशन प्लीज। तो सर जरा बताएंगे फटाफट। हाँ चलो, डिफरेंट केसेज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे, आई रिपीट सर, किस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिफरेंट केसेज में निकालिएगा? तो पहला केसेज तो हो चुका था। अभी बोलता है केस नंबर थ्री की पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। अगर आपका एग्रीमेंट में प्रोवाइड कर दिया है, ये प्रोविजन है, ये प्रावधान है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, समझिए मैं क्या बोला, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, बट इज साइलेंट एज टू, लेकिन आपका एग्रीमेंट बोलता है कि ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज ए चार्ज और क्या, एप्रोप्रिएशन, या तो चार्ज या तो क्या, एप्रोप्रिएशन। ए मुन्ना, जैसे ही चार्ज बोलेगा ना बेटा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेंगे। चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एप्रोप्रिएशन का मीन्स होता है हमेशा बाद में। सर मालिक को, बिजनेस के पार्टनर को, जो फर्म के पार्टनर है, उसको हमेशा इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर लास्ट में मिलेगा, पहले नहीं, पहले नहीं, याद कीजिएगा, करेंगे। चलिए सर, क्या है सर, ट्रीटमेंट क्या है और सिचुएशन वन सिचुएशन टू, आई रिपीट सर, ट्रीटमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट। अटेंशन प्लीज, बी केयरफुल, सावधान हो जाइए। अगर आपकी क्वेश्चन के अंदर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कब होगा, जब इफ देयर आर प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो, मुन्ना अगर प्रॉफिट हो तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना। कि सर आपकी बात थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा नहीं समझ में आया, अभी बता। मुन्ना सिंपल बात है रे मुन्ना, अगर तेरे के बिजनेस में, तेरे को बिजनेस में ना प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। लॉस के केस में किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। जब प्रॉफिट होगा तभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अटेंशन प्लीज, ध्यान रखेंगे। तो सर ये बात तो बच्चे को समझ में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट। सिचुएशन पढ़ते हैं, सिचुएशन नंबर वन क्या है। कहता है कि सर इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। वाह, गुड, एक्सेलेंट। मुझे बताओ, इस फर्म में हम पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, और पार्टनरशिप फर्म में अगर नुकसान होगा तो क्या मालिक को मिलेगा ब्याज? सर मालिक का ब्याज और पार्टनर का ब्याज हमेशा प्रॉफिट के ऊपर मिलेगा ना मुन्ना। लॉस में किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, याद रखेंगे। और लॉस के केस में कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा भी नहीं, तो क्या बनेगा सर? ए मुन्ना, बनेगा पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जब प्रॉफिट होगा तब बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद रखेंगे। तो लॉस के केस में
नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, सिचुएशन, सिचुएशन नंबर वन हो गया। सिचुएशन नंबर टू, सर इन केस देयर आर सफिशियंट प्रॉफिट, अगर आपके बिजनेस में सफिशियंट प्रॉफिट है, ये अजीबो गरीबों की कहानी हो रहा है। मैंने अच्छा मुझे बताओ इस फर्म का बिजनेस में, ये फर्म का जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर का भी तो प्रॉफिट है, यस या नो? अच्छा अच्छा, ये फर्म का जो नुकसान है वो किसका नुकसान है? पार्टनर का नुकसान है, बिल्कुल। तो सर इन केस देयर आर सफिशियंट प्रॉफिट, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू मोर देन, एमुना अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट के बराबर है, या आपका इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट प्रॉफिट से क्या है, कम है, प्रॉफिट से क्या है, कम है, ऐसे केसेज में, ऐसे सिचुएशन में इंटरेस्ट फुल्ली दे दीजिए, क्योंकि भैया फर्म का प्रॉफिट तो है ही, तो जितना इंटरेस्ट बनता है सारे इंटरेस्ट दे दीजिए, क्योंकि सफिशिएंट प्रॉफिट है। अटेंशन प्लीज, जब सफिशिएंट प्रॉफिट आपके पास है फर्म को, तो पार्टनर को प्रॉफिट इंटरेस्ट पूरा मिलना चाहिए। यहां पर देखिए, इन केस देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल मोर देन इंटरेस्ट, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। सर बात तो आपका समझ गया, अगर प्रॉफिट से कम मेरा इंटरेस्ट है, ऐसे केसेज में टोटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली अलाउड होगा, पार्टनर को सारा ब्याज दे देना पड़ेगा, क्योंकि सफिशिएंट प्रॉफिट है। और जब भी सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तब रेशियो के ऊपर प्रॉफिट को बांटा जाएगा, ये बात आप समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट देने के बाद भी इंटरेस्ट देने के बाद भी प्रॉफिट का बैलेंस अभी भी है। जो मुझे बताओ ये प्रॉफिट किसका है? सर पार्टनर का है, तो पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिएगा। देखिए अब आइए, सर ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख 1 लाख रेस्पेक्टिवली, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, बोल चुका है 8%, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹50,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रोफेसर आपके पास सफिशियंट प्रॉफिट है मुन्ना, कुछ नहीं करना है मुन्ना, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रिपरेशन अकाउंट बनाने को बाबा, जितना प्रॉफिट है ये प्रॉफिट देखो, यहाँ पर प्रॉफिट कितना बोला है 50,000, तो 50,000 हम क्रेडिट में लिख लिए पीएल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि यही प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो कितना प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिए 50,000। अभी मुझे बताओ, आप मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना हो रहा है, तो सर 2 लाख, एक 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट है, IOC निकालिए, सर 2 लाख के ऊपर है 8%, तो 8% कितना हो गया 16,000, गुड एक्सीलेंट, और 1 लाख है तो 1 लाख के ऊपर कितना हो गया 8%, मतलब 8,000 हो गया, 16 और 8 कितना हो गया 24। मुझे बताओ आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट कितना है 50,000, और इंटरेस्ट कितना हो रहा है 24,000, क्या आपके पास अभी भी प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं है? तो सर इसी बात पर लिखा है कि फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, जितना ब्याज होगा सब दे दो, क्योंकि उसके पास काफी प्रॉफिट है। तो देखो यही बात लिखा है, इन केस देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल, या तो प्रॉफिट के बराबर में हमारा इंटरेस्ट होगा, या मोर देन इंटरेस्ट, प्रॉफिट इंटरेस्ट से क्या होगा, इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, ऐसे केसेज में फुल इंटरेस्ट कैपिटल विल बी अलाउड, मतलब टकाटक होना चाहिए, पूरा ब्याज मिल जाना चाहिए मुन्ना, पीएलए प्रोफेशन अकाउंट बनाने को बाबा, 50,000 प्रॉफिट ट्रांसफर करने को पीएलए प्रोफेशन में मैंने कर दिया, इंटरेस्ट हमने ए और बी का निकाल लिया, तो 16 और 8 टोटल इंटरेस्ट फुल्ली इंटरेस्ट 24,000 दे दिया। अच्छा मुझे बताओ 50,000 में से 24,000 इंटरेस्ट दे दिया 24,000, अभी भी प्रॉफिट है कि नहीं है? यहां लिखा हुआ है देयर आर, इफ केस देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा है सफिशिएंट है, केन सर 50,000 टोटल प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से हम 24,000 दे दिया सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी भी कितना बचा 26,000, तो ये 26,000 को बाबा 26,000 को भी पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करना है, क्योंकि प्रॉफिट किसका है, पार्टनर किस रेशियो में बेटा,
3:2 के रेशियो में मैंने ट्रांसफर कर दिया, कहानी खत्म। इसका मीन्स है कि बात आपका केन से समझ में आ गया सर, सिचुएशन केस नंबर 3 में अगर एग्रीमेंट में प्रोवाइड है डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, बट लेकिन साइलेंट एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज चार्ज और क्या एप्रोप्रिएशन, ऐसे केसेज में ट्रीटमेंट क्या होगा सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। सिचुएशन क्या बोलता है कि लॉस के केस में इंटरेस्ट विल बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा और ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अटेंशन प्लीज। सिचुएशन नंबर 2, इन केस ऑफ देयर आर सफिशियंट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट सफिशियंट है तो ऐसे केसेज में इंटरेस्ट इज इक्वल टू मोर देन क्या इंटरेस्ट, अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट से क्या है ज्यादा है तो फुल इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर अलाउ होगा। अजीबो गरीबों की कहानी है सर, फर्म का प्रॉफिट किसका है? पार्टनर का प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 है, प्रॉफिट सॉरी 50,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल फुल 24,000 है, फुल्ली हमने दे दिया, उसके बाद भी 26,000 प्रॉफिट है, तो ये किसका है मुन्ना? पार्टनर का प्रॉफिट है, तो पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर दे। थैंक यू वेरी मच।